फायदा होता है। जो सतारा का जो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं इससे हमारे जम्मू से ये एड्रेस है जो पूरी विस्तृत जानकारी है। इनके बाद आएंगे मोहम्मद मिस्टर मोहम्मद अल्ता, इनके बाद आएंगे श्री देव प्रकाश। 120 कनाल जो इंक्रोस्ड फॉरेस्ट लैंड थी, अराई बीट एक क्षेत्र है, उन्होंने किया अभिलाष मॉडर्न है। सबसे पहले इसमें है दिलदार, ये हमारे लोग हैं यूपी लेवल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले ये दिलदार खान जी हैं, फिल्म में डाल करके जो लेपर्ड गांधीनगर एरिया में आ गए थे। तो उस तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप ही लोगों की है। मुझे उम्मीद है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अपना प्रयास निरंतर आने वाले दिनों में बढ़ाएगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रशासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वनारोपण तथा वनों के संरक्षण के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत और जमीनी स्तर के संस्थानों को अवश्य शामिल करें। ये प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सहभागी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रदूषण कम करना, जंगलों के अंधाधुंध दोहन को रोकना और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। आपको भी वाकिफ हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, ये सुअवसर है। हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम सब में अपने कल्चरल थीम के कलाकार राष्ट्रीय का मेरा विनम्र निवेदन